हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीए इंटर के अकाउंट्स का सबसे पैनिक करने वाला चैप्टर जो है विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब इसे हम लोग अच्छे से देख लेंगे। गाइस, मुझे पता है कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये काफी लोगों को दिक्कत खड़ी करता है और स्पेशली इसके इनडायरेक्ट मेथड, तो हम लोग इसकी प्रॉपरली रिविजन कर लेते हैं। आप बस कीनली मुझे ऑब्जर्व करते रहना, सुनते रहना मेरी बातों को, तो जाके आपको ये चैप्टर जो है वो थोड़ा आसान लगने लग जाएगा। ओके, तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ AS3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सेज दैट कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए। और उससे भी बड़ी अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपके कंपनीज एक्ट 2013 में हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी बोला गया है, और उस कंपल्शन के चक्कर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, बिकॉज ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन के अंदर डाला गया है। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना कंपलसरी होगा। ओके, तो इसको डील करता है, इसको गवर्न करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इट स्पेसिफाइज इट्स फॉर्मेट एंड ऑल, सब चीजें आपको AS3 के अंदर देखने मिलेंगी। ओके, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग समझ के लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। तो बच्चों, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आप लोगों को इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये दो चीजें ये आपको बताने वाला स्टेटमेंट है। कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये स्टेटमेंट काहे काहे बताना, इट विल बी शोइंग यू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है, सर अगर इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करूं तो ये तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट ही तो हुआ, तो हमारा कैश अकाउंट भी जो बनता है वो भी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स बता देता है। तो वो बनने के बाद भी, वो लेजर बनाने के बावजूद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है, ये सबके माइंड में सवाल घूम सकता है। तो आई मस्ट टेल यू दैट गाइज कि कैश अकाउंट जो आप लोग प्रिपेयर करते हो विच इज लेजर, तो ये कैश अकाउंट सिर्फ आपको बताएगा कितनी कैश आई कितनी कैश गई, लेकिन आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ही नहीं, बल्कि ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो किन एक्टिविटीज से हो रहा है ये भी आपको बताएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना सिर्फ आपको रिसिप्ट पेमेंट बस इतना बता के काम खत्म नहीं करेगा, बल्कि ये आपको बताएगा कि ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किन किन एक्टिविटीज से हो रहा है। सर किन किन एक्टिविटीज से आपका क्या मतलब है? तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली तीन एक्टिविटीज होती है। कौन सी एक्टिविटीज? तो सबसे पहली होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद आप लोगों की होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद आप लोगों की आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो आपको आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीन एक्टिविटीज में कैसे कैसे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है ये आपको इंडिकेट करेगा योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये मत समझ लेना कि बस इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश बस इतना बता के काम खत्म हो जाएगा, तो सॉरी, ये इतनी ही बताने वाली चीज नहीं है। ये आपको ये भी बताएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपका इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपका इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, ये आपको आपका ये पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट इंडिकेट करने वाला है। ध्यान में रखना ये बात। अब सर ये एक्टिविटीज क्या होती है प्लीज हमें वो समझाओ ना। तो बेटा ध्यान से सुनना, इस पे बहुत बार सवाल आ सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके सीए इंटर में ना सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चैप्टर है बल्कि इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको एप्लीकेबल है। ओके, तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में से क्वेश्चन ना आए तो ये पकड़ लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से जरूर जरूर क्वेश्चन आ सकते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिविटीज में क्लासिफाई करो, आपको कुछ आइटम्स दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा इसको ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में क्लासिफाई कर देना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहां से निकल सकते हैं। ओके, तो इसको अकॉर्डिंगली वैसे करना। देखो गाइस, अभी भी बता दो ये रिविजन है, मैं पढ़ाते टाइम ये चैप्टर बहुत डेप्थ में लेके जाता हूँ, बट अभी वो टाइम नहीं है, आपके एग्जाम आपके मुंह पे है, दैट इज वाई वी आर डूइंग जस्ट रिविजन, और जो मेन मेन मुद्दे हैं उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो तीन एक्टिविटीज हम लोग अब देखने जा रहे हैं। सबसे पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है एनी आइटम ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू
relating to the operation of business enterprise. Okay, business enterprise के operation से जो related आपके inflows and outflows होंगे वो operating activity कहलाएंगे. For example, मैं आपको समझा के देता हूं. बिजनेस का ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. फॉर एग्जांपल, मैं किसी को गुड्स कैश में सेल करूं, तो इससे क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगी, क्योंकि गुड्स तो जाएंगे भाई लेकिन कैश का बोलो, कैश तो मेरे पास आएगी, तो कैश आएगी, कैश का इनफ्लो हुआ. लेकिन गुड्स बेचना ये मेरा ऑपरेशन है ना बॉस, मेरा धंधा है गुड्स को बेचना, तो ये मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा. ओके, किसी के मन में सवाल आ सकता है सर क्रेडिट सेल भी तो आएगा फिर, तो बेटा याद रखिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो. नाम से समझो, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब जहां पे कैश आएगी जाएगी वो चीजें आप रिकॉर्ड करने वाले हो. तो गाइज मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड होगा, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है कि आप लोगों ने सेल किया है क्रेडिट पे, यहां पे कैश ना तो आई ना तो गई, रिकॉर्ड नहीं होगा. ओके, ध्यान रखना. तो याद रखो नॉन कैश आइटम्स कभी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होके. ओके, जैसे डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद में आपका क्रेडिट सेल, बोनस शेयर इशू कर दिया, ये सब नॉन कैश आइटम है, ये कभी रिकॉर्ड नहीं होगा. हाँ, अभी कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आधा अधूरा याद आ रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे बोल रहे कि नॉन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन है वो कभी रिकॉर्ड नहीं होता, ये आपके माइंड में आ रहा होगा. तो बेटा ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, जब तक खत्म होगा, जब मैं इनडायरेक्ट मेथड बता दूंगा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. डेप्रिसिएशन दिखता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में है, इवन दो इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बट क्यों आता है ये आपको इस वीडियो के इनडायरेक्ट मेथड के बाद में समझ में आ जाएगा. तो अभी के लिए सिर्फ पेशेंस रखो और मेरे पे श्रद्धा रखना. ओके, बात क्या है, सबसे पहले कैश सेल्स एक एग्जाम्पल हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का. ओके, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं. लेट्स से आपने परचेसेस किए जहां पे आपने कैश में पेमेंट किया. ओके, तो ये भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा. मान लीजिए आपको डेटर से पैसे मिले, हाँ, जिनको क्रेडिट पे बेचा था अब उनसे पैसा आया, ये रिसिप्ट हुई है. अरे भाई मेरे धंधे की रिसिप्ट है, डेटर से रिसिप्ट बोले तो धंधे वाली रिसिप्ट, तो ये क्या हो जाएगा बताना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा. उसके अलावा If I am paying to my creditors, मैं creditors को payment करता हूँ, तो creditor बोले तो क्या, जिनसे मैंने उधारी में माल purchase किया, अब मैं उनको अगर payment कर दूंगा तो ये मेरे business से related activity है, operation से related activity है. That is why it will be classified under what? It will be classified under your operating activity. Hope so, ये भी बात आपके समझ में आई होगी. Okay? इसके अलावा मैं जिस पर्टिकुलर बिजनेस प्रीमाइसेस में मेरा बिजनेस रन कर रहा हूं तो उसका मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है, तो मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड है रेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा. मैं मेरे एम्प्लॉइज को सैलरीज पे करता हूँ, ये मेरे ऑपरेशन में काम में आता है एम्प्लॉइज, दैट इज वाई एम पेइंग देम सैलरी, वेजेस पे कर रहा हूं उनको, तो ये भी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. अब इतना लंबा चौड़ा मैं आपको नहीं लिखाता, एक ट्रिक लिखा देता हूं, ध्यान से समझना. जो भी कैश आइटम्स है और जो रिकरिंग इन नेचर है, रिकरिंग नेचर के है, ओके, कैश आइटम्स और जो रिकरिंग नेचर के है, मतलब जो बार बार आपको या तो रिसीव करनी पड़ेगी या बार बार आपको उनका पेमेंट करना पड़ेगा, तो बेटा ऐसे सारे एक्टिविटीज को आप बिंदास आग बंद करके मेरे भरोसे पे डाल सकते हो कहां पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. बट मैंने आपको क्या बताया, वो कैश आइटम होना चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग इट शुड बी ऑफ रिकरिंग नेचर, मतलब ये बार बार हो जाना चाहिए, तभी जाके आप लोग इसे बिंदास क्लासिफाई कर सकते हो कहां पे बताना, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर. होप सो ये बात समझ में आई होगी. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट एक्टिविटी, एंड विच इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ओके, आराम से समझ के लेना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं कौन सी चीजें डालूंगा, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. क्या बोल रहा हूं मैं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट. मैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करूं बेचू, कोई फिक्स एसेट परचेज करूं बेचू, तो इससे जो होने वाला इनफ्लो आउटफ्लो होगा ये सब किसके अंदर जाएगा बताना, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा. समझ में आई बात.
और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें और एक एक चीज कवर अप हो जाएगी, और वो कौन सी चीज है गाइस, याद रखना, कोई इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटिंग टू फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी कहां पर क्लासिफाई हो जाएगा, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासिफाई होने लग जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी चीजें आप लोग डालने वाले हो बच्चों, तो परचेस और सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, ये डेफिनेटली श्योरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा। ये बात आपके माइंड में फिक्स कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, उस फिक्स एसेट के, उस इन्वेस्टमेंट के रिलेशन में कोई एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हो या आपको कोई इनकम अर्न हो रही होगी, याद रखना बच्चों, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाने वाली है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूं। ओके, आई हैव परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ये तो आपको खुद को समझ रहा होगा, सर ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट है तो सर जो पैसा आपको लगा, जो आउटफ्लो आपका हुआ, वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ये बात समझ के लेना। लेकिन अगर मुझे उन शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड, उन शेयर्स पे मुझे मिलता है डिविडेंड, तो अब ये तो इनकम हो गई। हमने प्राइमरीली बोला भाई परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट अगर मुझे उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट पे, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कोई इनकम जनरेट हो जाए, तो वो इनकम भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर। इसके अलावा मुझे कोई उस असेट को या इन्वेस्टमेंट को परचेस करने के लिए या सेल करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर करना पड़े, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रोकरेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट, ब्रोकरेज, आपने ब्रोकरेज पे करी। अब मुझे बताओ, ब्रोकरेज आपने पे काहे के लिए करी है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब ये जो ब्रोकरेज है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है एक्सपेंडिचर, तो दैट इज व्हाई इन्वेस्टिंग में ही आने लग जाएगा। ओके, तो होप सो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो गाइस, क्या क्या डालने वाले हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। ओके, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट भी अगर परचेज सेल करो, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे कोई इनकम आपको जनरेट होए या उसके लिए अगर आपको कोई एक्सपेंस करना पड़े, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आने लग जाएगा। होप सो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब दूसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगी, जब आप रेज कर रहे हो कैपिटल, फिर भले ही वो ओन्ड कैपिटल हो या वो बोरोड कैपिटल हो। ओके, आप जब रेज करते हो कैपिटल, मतलब कैपिटल आप खड़ी कर रहे हो, ओन कैपिटल बोलो बोरोड कैपिटल बोलो, अब कैपिटल रेस कैसे करी जाएगी, या तो इक्विटी शेयर्स इशू करके, या तो डिबेंचर्स इशू करके, या तो डिपॉजिट्स, या तो बॉन्ड्स इशू करके आप कैपिटल रेस कर सकते हो, समझ में आया ना, शेयर्स वगैरह करके भी आप रेस कर सकते हो कैपिटल। तो ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। या इसके अलावा आप रिडीम करते हो कैपिटल, मतलब आपने डिबेंचर रिडीम करे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे, इक्विटी शेयर्स खत्म करे, ये भी काम अगर कर रहे होंगे, तो बेटा ये भी किसके अंदर आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। इस बात का भी प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, और ना सिर्फ ये, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, आपको अगर कोई कॉस्ट लग रही है ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जो रहेगी, ये भी स्पेसिफिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिबेंचर इशू किए एज अ कंपनी, तो डिबेंचर इशू करने से मेरे कंपनी में कैपिटल बढ़ती है ना, इनफ्लो हुआ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये तो समझ ही गया होगा आपको, क्योंकि आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, किसकी वजह से हुआ बताओ, डिबेंचर इशू करने की वजह से। ठीक है, तो बच्चों ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये तो हमें समझता है, लेकिन उन डिबेंचर पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट मेरा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, मतलब जो फाइनेंस मैंने रेस किया उसकी मुझे लगने वाली कॉस्ट है, वो मुझे बियर करनी पड़ेगी। तो बेटा ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। तो ये बात आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट कर देना। तो गाइज, मैंने आप लोगों को बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के थ्रू डील होता है, और ये स्टेटमेंट है जो आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताएगा, मतलब कितनी कैश आई कितनी कैश गई, बस ये चीज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट,
नॉन कैश आइटम कभी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, सिर्फ जिसमें कैश इन्वॉल्व हो वही आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वही एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जहां इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। हमने बोला भाई देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जिसमें, अच्छा मैंने आपको ये भी बोला भाई फिर कैश का रिसिप्ट और पेमेंट ही बताना है तो कैश का लेजर तो बनाया ही होता है, तो फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये तीन एक्टिविटीज में डिवाइड होता है, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को तीन एक्टिविटीज में डिवाइड कर देता है। और कौन सी तीन एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब बताया जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाले जाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, आप परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट करो या उससे रिलेटेड कोई इनकम या एक्सपेंस होगा वो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। और फाइनेंसिंग में हमने क्या बोला, आप कोई कैपिटल रेज कर रहे हो या रिडेम्पशन ऑफ कैपिटल कर रहे हो तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, फाइनेंस रेज कर रहे होंगे तो ये भी आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाने वाला है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह के चार्जेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। मैं अगर एग्जाम्पल दू आपको, तो मान लीजिए आप कोई लोन रेज कर रहे हो या आप लोन को रीपे कर रहे हो, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा आप शेयर कैपिटल इशू करो या लेट से प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो, ये सब भी क्या है? आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप डिविडेंड दे रहे हो, या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप डिविडेंड देते तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने शेयर्स इशू करे होंगे तो डिविडेंड आप दे रहे हो ना, तो शेयर इशू करने से आपका कैपिटल रेज होता है और कैपिटल रेज हुआ तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उस पे जो आपको कॉस्ट देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो डिविडेंड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगी। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड अगर आपको रिसीव हो रहा है तो मुझे बताओ आपको रिसीव कब होगा, जब आपने इन्वेस्ट किया होगा, और इन्वेस्ट किया होगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उससे मिलने वाली इनकम को हम क्या बोलते बताओ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये तब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन जब डिविडेंड आप लोग पे करते हो तो पे करते वक्त ये आपका क्या बन जाएगा बताओ? पे करते टाइम इट विल बी योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब रीजन बड़ा सिंपल है, आप डिविडेंड पे क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज किया होगा, और रेज करना कैपिटल इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये डिविडेंड जो रहेगा जो आप पे कर रहे हो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रहेगा। सेम चीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की भी होती है, अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको मिला है तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन आप अगर पे कर रहे हो तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ के लेना। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। लेकिन इसमें और एक चीज आपको बता दो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई फाइनेंस कंपनी है, मतलब उसका काम ही क्या है, लोन लेना लोन देना वो उसका काम होगा, तो ऐसे कंपनीज को जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है करता है ये सब उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। इनके लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ना ही फाइनेंस है, इनका नाम ही फाइनेंस कंपनी है, तो इनके लिए ये जो भी इनकम होती है ये सब इनकी ऑपरेटिंग इनकम कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये बातें याद रखो, मोटी मोटी बातें मैंने सब आप लोगों से डिस्कस करी है। ओके, अब बेसिकली आपको मेन बात आपको बताने जा रहा हूं, एंड विच इज जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है गाइस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बेसिकली होते हैं दो मेथड्स। आप जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे या कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आप लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताते हो तो दो मेथड्स होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के। अब सवाल है सर दो मेथड्स कौन से हैं? तो मेथड नंबर वन डायरेक्ट मेथड और मेथड नंबर टू इनडायरेक्ट मेथड। ओके, दोनों मेथड में बहुत फर्क है, और क्या फर्क है ये सब आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बनाने के दो मेथड्स है, बट मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको आपको दो मेथड्स के थ्रू इंडिकेट किया जा सकता है, उसे आप दो मेथड्स के थ्रू इंडिकेट कर सकते हो। एक होती है डायरेक्ट मेथड, एक होती है इनडायरेक्ट मेथड, और बाकी जो दो एक्टिविटीज है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फिर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, वो दोनों मेथड्स में एज यूजुअल आपको दिखेगी। तो याद रखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो मेथड्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
तो बेटा आप एक बात समझ लेना, जब तक आप डायरेक्ट मेथड में हो, जब तक आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो, तब तक लूटो मजे ही मजे, मजे ही मजे। क्यों मजे ही मजे सर? इसमें सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, बस ये देख के आपको जजमेंट लगानी पड़ेगी। लेट से आपको मैं बोलता हूं कि भाई मैंने रेंट का पेमेंट किया, तो आपको बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा कि सर आप अगर रेंट का पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब है ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो हो रहा है, तो सर रेंट को माइनस में बता दो, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड में इतना ही काम होता है। लेट से आपको कभी कभी बोला जाता है कि भाई डेटर से आपको रिसिप्ट मिली है, तो डेटर से रिसिप्ट मिली है तो इनफ्लो हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं उसे डायरेक्ट मेथड के अंदर एज एन इनफ्लो बोल के बता दूंगा पॉजिटिव फिगर। तो डायरेक्ट मेथड में आपको कोई चिंता नहीं करनी है, जो एक्चुअल में आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है बस वो आइडेंटिफाई करो, और अगर वो इनफ्लो होगा तो अमाउंट कॉलम में पॉजिटिव फिगर लिखना, और अगर आउटफ्लो होगा तो अमाउंट कॉलम में निगेटिव फिगर लिख देना, इन इनटू ब्रैकेट उसे डाल देना। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इसकी तो तकनीक मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड चाहिए, और उसमें भी मैंने आपको ट्रिक शेयर कर दी है गाइस, जो कैश आइटम है और जो रिकरिंग नेचर का है, जो बार बार होते रहेगा, वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगा। ओके, तो इसे आपको उठा के यहाँ पे डालना है, और इसमें एक तीसरी बात भी ऐड कर देना, ये आपके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड चाहिए, तब जाके हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहेगी। होप सो सबके दिमाग में गया ही होगा। ओके, एंड नाउ सवाल है सर, इनडायरेक्ट मेथड में कैसा रहता? तो बच्चों इनडायरेक्ट मेथड का डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे, आप 10 मिनट्स पकड़ के चलिए, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड का मैं आपसे जिक्र करूंगा, ठीक है? ये क्यों, इसका अभी मैं आपको थोड़ी देर में रीजन बता देता हूं। पहले डायरेक्ट मेथड अगर आपके एग्जाम्स में आ जाती है तो उसे हम टैकल अप कैसे करेंगे, ये बारे में हम लोग डिस्कशन पहले करते, एंड देन वी विल बी स्विचिंग टू इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है? अब प्रॉब्लम जब सॉल्व करना होता है डायरेक्ट मेथड से, तो सर फॉर्मेट हमने कैसे बनाना, तो मैं आपको बता देता हूं, आपने सबसे पहले लिख देना कंपनी का नाम, फिर यहां पे लिख दोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बहुत अच्छा होगा यहां पे अगर आप डायरेक्ट मेथड लिख दो तो, ठीक है, डायरेक्ट मेथड अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो, और यहां पे जरूर लिख देना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डैश डैश डैश, जो भी होगा वो डाल देंगे, ठीक है? अब देखिए बच्चों, ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट तो बड़ा आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ओके, सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स है, यहां पे अमाउंट आएगी और इधर भी अमाउंट आएगी, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। आप सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, ए फॉर कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोस फ्रॉम व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप क्या करोगे बच्चों, ये सबसे पहले यहां पे आप लोग ऐसे लिख के रख दोगे, कंफर्टेबल है? अब कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच ऑफ द एक्टिविटीज आर रिलेटिंग टू योर ऑपरेशन, डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड कौन सी चीजें हैं, जो रिकरिंग इन नेचर है, जो कैश आइटम्स है, वो सब उठाओ और वो यहाँ पे पुट करते चलना। तो आपको हो सकता है कुछ इनफ्लोज मिले, तो यहां पे 1 2 3 4 जो भी इनफ्लो मिले वो डाल देना, हो सकता है आप लोगों को कुछ आउटफ्लोस मिले, 1 2 3 4 उठा के यहां पे डाल देना, बट डोंट फॉरगेट यहां पे आपको माइनस में डालना पड़ेगा। दिस इज द कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट तबाह हो जाता है, मैच नहीं होता है, टैली नहीं होता है। वो कौन सी मिस्टेक है गाइस, आप लोग जब भी आउटफ्लो का फिगर कॉलम में लिखो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस में आएगा। ओके, तो ये बहुत बार गलती हो जाती है, ठीक है? यहां पे फिर आएगा आपका, देखो प्लस माइनस करने के बाद आपको एक अमाउंट बाहर लेके जानी है, और फिर इसे नाम दे देंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग
operating activity बिफोर टैक्स, आप पूरा लिख देना, आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हो, ठीक है, बिफोर टैक्स, तो मैंने यहां पे लिख दिया और ये आई एक्टिविटी। अब इसमें से याद रखिएगा टैक्स पेड, वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स पेड यहां से आप लोग डिडक्ट करने वाले हो, और ये टैक्स पेड अगर आपने यहां से डिडक्ट कर दिया गाइज तो फिर मजे ही मजे है, ठीक है। तो टैक्सेस पेड आप लोग जब डिडक्ट कर दोगे तो यहां पे या तो फिगर पॉजिटिव हो सकती है या तो फिगर यहां पे नेगेटिव हो सकती है, ओके। तो मैं यहां पे दोनों चीजें कवर अप कर लेता हूं, ठीक है। अब अगर फिगर पॉजिटिव है तो आप यहां पे लिखोगे कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। तो अगर फिगर पॉजिटिव है तो ये वर्डिंग आपको लिखनी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए ये सब करने के बाद फिगर नेगेटिव आती है तो आप यहां पे क्या लिखोगे, कैश यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो वर्डिंग अच्छे से दिमाग में फिट कर दीजिएगा, अगर आपको फिगर यहां पॉजिटिव मिले तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्ड डाल देना, और अगर नेगेटिव फिगर आ जाए तो कैश यूज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऐसे आप लोग यहां पे इंडिकेट कर दोगे, आप लोग यहां पे चीजें डाल दोगे, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब मैं इसके आगे यहां पे लिख देता हूं बी, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं बी, बी फॉर व्हाट, बी फॉर कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके। तो यहां पे मैं ऐसे डाल देता हूं कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बच्चों जब आपने कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहां पे उठा के डाल दिया, तब अब इसके बाद में आप क्या करोगे, तो इसमें भी सेम वैसी चीज है, जो इनफ्लो हुए हैं उनके फिगर्स लिख दो, जो आउटफ्लोज हैं उनके भी फिगर लिखो, लेकिन ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और यहां पर भी फिर फिगर पॉजिटिव हो सकता है या फिर फिगर नेगेटिव हो सकता है, और इसके बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, कैश फ्लो या फिर यूज्ड, नेगेटिव आए तो यूज लिखेंगे, है ना, फ्रॉम और फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। तो ऐसे आप लोग यहां पे ये सब चीजें डाल दोगे, ओके। अब इसके बाद सी फॉर यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। तो कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब आप लोग कैसे लिखोगे, इसके अंदर क्या चीजें डालनी पड़ेगी, आराम से समझ के लेना। यहां पे भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो इनफ्लोज हो रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से वो डाल दीजिए, जो आउटफ्लोज हो रहे हैं वो भी डाल दीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू गिव ब्रैकेट, माइनस में डालना पड़ेगा ना आपको, और फिर यहां पे आपको वापस से मिल जाएगा कैश फ्लोस ऑब्लिक यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। तो यहां पे फिगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको ऐसा डाल दोगे। तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया है, बेसिकली तीन एक्टिविटीज में आपके कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज आप लोग माइनस कर देते हो, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट काम आप लोगों को क्या करना है, डी, एंड दैट इज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश कैन कैश इक्विवेलेंट आपको करना पड़ेगा। अब इसमें सर क्या करते हैं, तो कुछ नहीं बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, जो आपने आउटर कॉलम में टोटल्स निकाली है तो उनकी सबकी एडिशन कर दो। अब ये बोलने के लिए आप बच्चे तो हो नहीं कि सर एक आधी नेगेटिव फिगर रही तो भी ऐड करेंगे क्या, बेटा नेगेटिव फिगर रही तो भी आप ऐड करोगे तो फिगर तो माइनस ही आएगी ना, अल्टीमेटली आप उसको माइनस ही करने वाले हो, तो ये काम आप लोग करना पड़ेगा, तो ये डी में आ जाएगा। तो यहां पे आपको नेट या तो इंक्रीज दिखेगा या तो डिक्रीज दिखेगा, फिगर पॉजिटिव है
पॉजिटिव लिखना, अदरवाइज आपका प्लस माइनस करके फिगर निगेटिव आया तो ऐसे ब्रैकेट में इसको आप लोग डाल देना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग आपको डालना पड़ेगा। अब सवाल है सर ये फिगर कहां से आएगा, ये फिगर बेटा आप लोगों को बैलेंस शीट से मिल जाएगा, वो भी कौन से, ओपनिंग बैलेंस शीट से, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से आप लोगों को ये फिगर मिल सकता है, ओके। और अब एक काम कर लेना आप लोग, लास्ट में आता है एफ फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड, ओके। तो ये फिगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने निकालनी है, कैसे निकालोगे, डी प्लस ई करके, ये जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज था और ये बिगिनिंग का आपका जो भी आया होगा फिगर ये ऐड कर देना, तो जाके आप लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड मिलेगा, ओके। और याद रखना जब डी प्लस ई करके जो फिगर आया और अगर बैलेंस शीट जो करंट ईयर की है माने क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसमें भी अगर कैश का और कैश इक्विवेलेंट का वही फिगर आया तो आपका प्रॉब्लम टैली हो गया, ये समझना, और बल्ले बल्ले आपके मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो वैसे आपने क्या करना है, ये नेट इंक्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग इनका टोटल लेके ही यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, और फिर बाद में चेक करना कि जो बैलेंस शीट में करंट ईयर का आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फिगर है क्या वो बराबर उतना ही है क्या, और वो उतना आ गया तो समझ लो बराबर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, नहीं तो फिर आपने कुछ तो लफड़ा किया है। मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रिकॉशन रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त, बिकॉज ये एक बार टैली हुआ तो हो जाएगा, बट उसके बाद अगर टैली नहीं हुआ तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट टैली, ओके। तो फिर ये जल्दी टैली नहीं होता है, इस बात का ख्याल रखना, हर कदम फूक फूक के रख देना, बराबर मैचिंग हो जाएगी, ओके। अब मुझे आपको बताना है कुछ स्पेसिफिक बातें, जो आप भले डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हो वो चीजें काफी काम में आने वाली है, ओके। जैसे देखो बच्चों, आपको कहीं ना कहीं ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, या जिसको आप लोग ट्रेड पेबल अकाउंट बोल भी सकते हो, ये बनाने की आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। और स्पेसिफिकली ये अकाउंट आपको बनाने की जरूरत कब पड़ेगी बच्चों, जब आप डायरेक्ट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और इवन ये जो चीज आपको सिखा रहा हूं ये सिंगल एंट्री में भी आपको काम आ सकता है, क्योंकि वहां पे ये लेजर्स बहुत बार बनाने पड़ते हैं, ओके। अब बच्चों आप क्रेडिटर्स का पहले फॉर्मेट देख लीजिए, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स अपने आप में एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आपके पास क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहां पे लिख सकते हो बाय ओपनिंग बैलेंस, या जिसको आप लोग बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी बोल देते हो, ओके। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ये हम लोग यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए सपोज आपने कोई करंट ईयर में क्रेडिट परचेस किए हैं, तो उसकी एंट्री क्या पास करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो मुझे बताओ आप क्रेडिटर्स को यहां पे क्या कर रहे हो, क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में वापस से क्या लिखा जाएगा बताओ, बाय परचेसेस, ओके। तो यहां पे आ जाता है, मान लीजिए आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की क्या एंट्री पास होगी, पेमेंट करने की एंट्री पास होती है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपके ऐसे एंट्री पास हो जाती है, किसको, क्रेडिटर को पे करने की आपकी ये पर्टिकुलर एंट्री पास हो जाएगी, कंफर्टेबल है। तो आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स के डेबिट में जाके लिख दोगे टू बैंक अकाउंट, ओके। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे लेजर प्रिपेयर करते हो। अब गाइज ओपनिंग बैलेंस आ गया, करंट ईयर का परचेस आ गया और पेमेंट टू क्रेडिटर आ गया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स होता है, ओके। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलता है बताओ, आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स निकल जाता है। मैं आपको यहाँ पे बताया इसके लिए हूं बिकॉज बहुत बार क्या होता है, आप देखिए जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप डायरेक्ट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाओगे तो अब इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे ना सिर्फ इनफ्लो ऑफ कैश बल्कि आउटफ्लो ऑफ कैश भी बतानी पड़ती है। तो बहुत बार क्या हो जाता है बच्चों, आप लोगों को क्रेडिटर्स का
ओपनिंग बैलेंस दे देते, क्लोजिंग बैलेंस दे देते और क्रेडिट में जो परचेस हुआ है उसका भी फिगर दे देते हैं या फिर और कोई इंफॉर्मेशन दे देते जिससे क्रेडिट परचेस का फिगर निकल सकता है। ओके, अब ये लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया ये नहीं देंगे। अब ये नहीं दिया इसका मतलब ऐसा तो नहीं होता कि आपने पेमेंट नहीं करा होगा। ओके, तो अगर आपको याद रखिएगा, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिट परचेस डायरेक्टली दिए हो या कोई डेटा ऐसा दिया हो जिससे आप क्रेडिट परचेस निकाल सकते होंगे, तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा, प्लीज मेक क्रेडिटर्स अकाउंट लाइक दिस। मैंने जैसे अभी क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, ऐसे क्रेडिटर अकाउंट बना लेना, बिकॉज आपका ओपनिंग बैलेंस अगर दिया होगा वो यहाँ क्रेडिट में डाल देना, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा वो यहाँ डेबिट में डाल देना, और क्रेडिट परचेजेस होंगे तो वो ऐसे यहाँ पे जरूर डाल देना। तो अल्टीमेटली तीन चीजें हैं, एक ही चीज गायब है, तो ये एज अ बैलेंसिंग फिगर बोल के आपको बैंक का बैलेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो इट विल बी पेमेंट टू क्रेडिटर्स का फिगर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स का फिगर आपको यहाँ पे मिलेगा, और पेमेंट टू क्रेडिटर्स का फिगर मिल गया तो आप क्या करोगे, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो बोल के बता दोगे। ओके, तो ऐसे आप लोग अकाउंट प्रिपेयर करके क्या कर सकते हो बताना, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें और तड़के लग सकते हैं, जैसे डिस्काउंट आपको दे दिया आपने, आपको आपके क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया, तो एंट्री क्या आती है, वो डिस्काउंट हमारी इनकम है, तो हम डिस्काउंट क्रेडिट करते हैं और डेबिट कर देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट को, तो क्रेडिटर के डेबिट में टू डिस्काउंट भी आ जाएगा। तो ऐसे और भी कुछ अगर आपको प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दी है तो उसका क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या इंपैक्ट आता है ये सोचो समझो, और एंट्री वाइज जर्नल जर्नल वाइज उसकी लेजर पोस्टिंग कर दीजिएगा, और फिर जो बचा कुचा फिगर आपको मिलेगा ये आपके पेमेंट टू क्रेडिटर का रहेगा, जो आपको उठा के यहाँ पे एज एन आउटफ्लो बोल के बताना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अभी क्रेडिटर का बताया, इसकी एकदम अपोजिट शक्ल होती है आपके डेटर्स अकाउंट की। ओके, तो ये मुझे आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है, तो आप अच्छे से इसको याद रख लेना, ठीक है। और एक एक आप छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखो बच्चों, टोटल परचेस हो या टोटल सेल्स हो, ये निकलते कैसे बताओ, कैश सेल्स सॉरी कैश परचेसेस और क्रेडिट परचेसेस को मिला के, और ये टोटल सेल्स भी कैसे होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों को मिला के आपका टोटल सेल्स भी बनने वाला है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप ये दोनों भी चीजें अगर बनाने की इच्छा रख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं भाई, दोनों भी बनाओगे तो आपको ये दो अमाउंट की टोटल लेके ही आपको ये फिगर्स मिलने वाली है, टोटल परचेस की और टोटल सेल्स की। अगर किसी प्रॉब्लम में कैश सेल्स के बारे में या कैश परचेस के बारे में आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया है, तो मान लेना जो भी परचेस का फिगर है या सेल्स का फिगर है वो कौन सा रहेगा बताओ, क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स का फिगर रहेगा, ऐसा आपने अजम्पशन कर लेना चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी बात है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बेटा मेरे को याद करो ना, आप मेरे को याद करोगे कि सर ने बताया था, बराबर ये काम में आ रहा है, आप खुद देख लेना, ये आपको बहुत बहुत जगह पे काम में आएगा। जहां पे परचेस सेल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अज्यूम इट टू बी क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स, कंफर्टेबल है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अब ये जो कैश परचेस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो बोल के दिखेगा, और कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एन इनफ्लो बोल के दिखेगा। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल दोनों भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पे ना तो कैश आ रही है ना तो जा रही है, बट ये क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स आपके ट्रेड पेबल या क्रेडिटर अकाउंट और डेटर अकाउंट में जरूर काम में आएंगे, जहां से आप पेमेंट टू क्रेडिटर और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स निकाल सकते हो। तो इस बात का प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, तो गाइस ये रहा यहां तक का पार्ट, होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ये इतना समझा होगा तो आपको ये पर्टिकुलर डायरेक्ट मेथड में तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं प्रॉब्लम जाएगा। एक और छोटी सी चीज आपको बता देता हूं, दैट इज COGS का फॉर्मूला। COGS कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बार क्या होता है बच्चों, आप लोगों के पास पेमेंट टू लेट्स से क्रेडिटर्स नहीं होता है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपके पास नहीं होता,
तो आपको जरूरत पड़ती है परचेसेस की, तो वो परचेसेस भी कभी कभी डायरेक्ट नहीं देते। हाँ परचेसेस डायरेक्ट नहीं देते, बट आपको सीओजीएस के बारे में बता देंगे, ओपनिंग स्टॉक दे देंगे, क्लोजिंग स्टॉक दे देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस भी एक आधी बार दे देंगे। तो बेटा आप तो नादान तो हो नहीं, बचा हुआ आपका परचेसेस रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, सीओजीएस के भी बारे में और एक एक बात समझ लो। जब मैं सेल्स में से प्रॉफिट का परसेंटेज डिडक्ट कर दूंगा तो आई विल बी गेटिंग माई व्हाट सीओजीएस। तो ये एक बात याद रखना, कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है। और याद रखो यहां पे जो परचेज, यहां पे जो सेल आप लोग लिख रहे हो, ये टोटल परचेज एंड टोटल सेल्स के फिगर है। ओके, अब आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई चीज तकलीफ देगी इन योर डायरेक्ट मेथड। ओके, एंड नाउ मैं स्विच करता हूं मेरे इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। होप सो अब सब लोग फिर से अच्छे से यहां पे ध्यान दोगे। ठीक है, अब बच्चों ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक बार फॉर्मेट समझ के लेना पड़ेगा। ये समझ गया तो समझ लो आपको इनडायरेक्ट मेथड बहुत अच्छे से जमने लगेगी। अब अगर आप इसका नाम ही देखोगे मेथड का, तो नाम क्या है बताना, इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों को बेसिकली करना क्या पड़ेगा, जो डायरेक्ट मेथड में किया वो इनडायरेक्ट मेथड में आपको तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ गाइस, इवन दो यू आर फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड, तो आप याद रखना कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे आपने डायरेक्ट मेथड में किया है वैसे ही इसमें भी निकलने लग जाएगा। और इवन ये जो नीचे का पार्ट है ये भी इनडायरेक्ट मेथड में चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज सिर्फ क्या होगा बताओ, ये सिर्फ इतना जो पार्ट है कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस इतनी ही चीज चेंज होगी इन योर इनडायरेक्ट मेथड। ओके, अब बच्चों इसका इनडायरेक्ट मेथड ऐसे ही नाम क्यों गिरा ये भी एक बार समझ के ले, तो पूरी परेशानी आप लोगों की दूर हो जाएगी। ओके, अब देखो आप लोगों ने अभी डायरेक्ट मेथड देखी, तो डायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने क्या क्या देखा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा होगा लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, सही है कि नहीं, इसको हमने पॉजिटिव फिगर बताया। और जो भी आउटफ्लो ऑफ आपका कैश हो रहा होगा तो इसे आपने नेगेटिव फिगर बता दिया। तो ये जो रिजल्टेंट फिगर है, अगर आपका ध्यान होगा, देखो आप जब डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे थे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर रहे थे, इनफ्लो ऑफ कैश पॉजिटिव फिगर, आउटफ्लो ऑफ कैश नेगेटिव फिगर। तो ये जो आपको यहां पे फिगर मिल रहा था ये फिगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का था, लेकिन वो भी कैसा प्रॉफिट बताना, कैश प्रॉफिट। क्यों मैं बोल रहा हूं कैश प्रॉफिट, बिकॉज यहां पे जहां से एक्चुअली कैश इनफ्लो हो रही थी, एक्चुअली जहां से कैश का आउटफ्लो हो रहा था, बस वही आइटम्स आप लोगों ने यहां पर रिकॉर्ड करे थे। तो आप लोगों को जो यहाँ पे रिजल्टेंट फिगर मिल रहा था तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो भी कैश का। ओके, ये डायरेक्ट मेथड की बात हुई, तो ये सब डायरेक्टली निकल रहा था हम लोगों से। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते, मैं आपको आराम से बताता हूं, शांति से सुन के लेना। देखो बच्चों डायरेक्ट मेथड से भी अगर आप जाते हो तो आपको अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी कैश के अंदर, सही है। अब इनडायरेक्ट मेथड का बोलना है कि भाई इतना आप प्लस माइनस करते बैठो, उससे अच्छा आप क्या कर देना, एक अलग मेथड फॉलो कर लो। कौन सी मेथड, मैं आपको समझाता हूं। ये लेट्स से आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो आपको भी पता है कि आपको यहां पर क्या मिलता है बताओ, नेट प्रॉफिट का फिगर मिलता है, एम आई राइट। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे और ज्यादा अच्छे से आपको ये मेथड समझ में आएगी। ठीक है, शांति से सुनना। मान लीजिए बच्चों आप लोग क्या करते हो, यहां पे लेट्स से बाय ग्रॉस प्रॉफिट ले लेते हो, हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ऐसा मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है, और वो कितने का है, 10,000 का, तो मैंने यहां पे लिख दिया, तो वो आपकी इनकम हो जाएगी, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ही डालने वाले हो, ये सबको पता है। अब इसका टोटल कितना हुआ, 5,10,000, ये टोटल 2 मिनट के लिए यहां पर कॉपी कर देता हूं। अब एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में आते हैं, तो अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान लीजिए यहां पर है 1 लाख रुपए के, फिर आपको लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
वो हुआ है 5000 का। यहां पे आपका डेप्रिसिएशन भी आता है, मान लीजिए वो है 15000 का डेप्रिसिएशन। ओके, और इसके अलावा और कुछ मैं आइटम यहां पे डाल दू तो लेट्स से यहां पे हम लोग और एक आइटम डाल देते हैं जो है आपका प्रॉफिट, सॉरी यहां पे और एक चीज डाल देंगे विच इज इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट, और मान लीजिए मुझे लोन पे इंटरेस्ट कितना लगा है 20000 का। ठीक है, तो ये मैंने पीएनएल के डेबिट के आइटम आपको बता दिए। तो अगर अब मैं यहां से आगे नेट प्रॉफिट निकालने जाऊं तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा, 5,10,000 माइनस 1,00,000 माइनस 20,20,40, तो मुझे समथिंग अराउंड 3,70,000 का नेट प्रॉफिट यहां पे तो मिल रहा है। समझ में आ गया, माय प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग नेट प्रॉफिट ऑफ 3,70,000। अब देखो इनडायरेक्ट मेथड का बोलना है कि भाई आप डायरेक्ट मेथड से जाओगे भी तो इनफ्लो ऑफ कैश एड आउटफ्लो ऑफ कैश लेस, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की होनी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट फिगर जो हम लोगों को मिल रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश ही तो मिल रहा है, तो क्यों इतने झमेले करने से अच्छा हम एक काम कर नहीं सकते क्या कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट हमें दिख रहा है, अब देखो डायरेक्ट मेथड से भी अल्टीमेटली प्लस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश ही मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट मेथड बोलती है कि भाई तुम एक काम करो ना, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिल जाएगा, ये आप एज इट इज लिख दो। कहां पे लिख दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है उसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख दो 3,70,000 का। और ये क्यों बोल रहे लोग, बिकॉज डायरेक्ट मेथड से आप जब भी लास्ट में कोई आउटकम निकालते हो तो वो आउटकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन कैश ही होता है, तो इन्होंने बोला क्यों ना सीधे पीएनएल का प्रॉफिट ही ले लिया जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। बट आपको एक बात नोटिस हो रही होगी कि भाई ये जो नेट प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया ये कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, और वो भी कैश में नहीं है। क्यों हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोल सकते, क्यों कैश प्रॉफिट नहीं बोल सकते, बिकॉज बच्चों आपको एक बात समझी होगी कि इस पर्टिकुलर 3,70,000 का जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला इसमें एक फैक्टर को कंसिडर किया गया है विच इज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन आप ही मुझे बताना ये कैसा आइटम है बताओ, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो जो नॉन कैश आइटम है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। बट अब आपकी दिक्कत क्या हो गई, आपने इनडायरेक्ट मेथड जब फॉलो कर रहे हो तो इनडायरेक्ट मेथड के टाइम आप प्रॉफिट एंड लॉस से सीधे क्या उठाते बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन वॉज कंसिडर्ड, मतलब ये 3,70,000 का जो आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस किया गया था। ओके, और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही क्या, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। तो आपको नहीं लगता कि ये जो 3,70,000 का प्रॉफिट है ये कोई कैश प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक नॉन कैश आइटम छुपा पड़ा है एंड विच इज डेप्रिसिएशन, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो उसको जगह नहीं देते हो। तो हमारे कैश फ्लो में हमने डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट डाल दिया और उस नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कंसिडर्ड है, तो वो इंपैक्ट आपको नहीं चलेगा बिकॉज कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम नहीं चलते हैं। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया था और अब हमें डेप्रिसिएशन तो कंसिडर ही नहीं करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, तो इसका इफेक्ट उड़ाना पड़ेगा, तो उसने जो प्रॉफिट कम किया था तो आपको उसे बढ़ा देना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं बच्चों, जब इनडायरेक्ट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हैं और उसमें हमेशा नॉन कैश आइटम्स को आप लोग एड बैक कर देते हो। हम लोग क्या सीख रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो निकाले जाते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। उसमें सबसे पहले क्या कर देंगे बताओ, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस हम लोग एड बैक कर देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया। समझ में आई बात, तो होप सो अब आपको समझा होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्री नहीं आता,
हाँ, इनडायरेक्ट मेथड में हम डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, बिकॉज आपका ऑलरेडी ये जो नेट प्रॉफिट आप लोग पीएनएल से उठाते हो तो उसमें डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कंसिडर होता है, और डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है तो वो कैश फ्लो में नहीं चलता, तो वो इंपैक्ट उड़ाने के लिए हम लोग उसे ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक था इस चीज के पीछे। अब दूसरी बात देखो, अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाओगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, वो भी कैश प्रॉफिट मिलता है। तो कैश प्रॉफिट निकालना है तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया और जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उसे एड बैक कर दिया। अब जो भी प्रॉफिट हमारे पास में आएगा तो वो कैश प्रॉफिट रहेगा, ये तो गारंटीड है। लेकिन क्या वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है क्या? क्या वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है क्या? सवाल आप खुद से पूछो तो जवाब खुद मिल जाएगा। सर जी नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आप चेक कीजिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या आया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 का प्रॉफिट है। अब आप ही मुझे बताओ, परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कहाँ के आइटम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, ऑपरेटिंग के है क्या? नहीं है। अब दिक्कत क्या हो गई, हमने ऑपरेटिंग का प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कहां से उठाया? पीएनएल से उठाया। और ये जो पीएनएल में नेट प्रॉफिट 370 का दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी ये 10,000 का प्रॉफिट ऐड हो चुका है, जो कि एक फाइन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है बट उसका इफेक्ट कहां पे हाईलाइट हो रहा है? उसका इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हाईलाइट हो रहा है। तो गाइस, उसका आपको इफेक्ट उड़ाना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये आइटम कहाँ का है बताना? ये आइटम है इन्वेस्टिंग का। बट जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे ले ले रहे हो ऑपरेटिंग में, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट कहाँ पे दिख रहा है बताना? आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिख रहा है। तो वो इफेक्ट आपको उड़ाना पड़ेगा, एंड फॉर रिमूविंग दैट इफेक्ट यू विल हैव टू डिडक्ट क्या? आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या कोई भी फिक्स असेट होगी तो इसका जो भी प्रॉफिट होगा ये आप लोगों को यहां से माइनस करना पड़ेगा। और मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फिलहाल हो, तो इसके नेट प्रॉफिट में उसका इफेक्ट आ चुका है, उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी इफेक्ट आ गया। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम को यहां से माइनस करना पड़ता है। ओके, तो ये इसके पीछे का लॉजिक हो गया। तो आप याद रखिएगा, यहां से फिर क्या माइनस हो जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या फिर कोई फिक्स असेट बोलो, तो इसके प्रॉफिट्स वगैरह जो भी होंगे अगर वो पीएनएल में कंसिडर्ड है तो यू विल हैव टू डिडक्ट फ्रॉम इट। ओके, लेकिन वैसे ही अगर आपका ध्यान होगा तो देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट भी यहाँ पे 5,000 का दिख रहा है। अब फिक्स असेट की बात चल रही है तो मैंने तो आपको बता दिया, फिक्स असेट को बेच रहे हो परचेस कर रहे हो, ये एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग की। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो लॉस जाना चाहिए, बट ये दिख कहाँ पर आया है बताओ? आपके नेट प्रॉफिट में उसका इंपैक्ट आया हुआ है, और वही नेट प्रॉफिट आपने ऑपरेटिंग में लिखा, तो ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग का आइटम चलता क्या? नहीं चलता। तो ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट आपके नेट प्रॉफिट को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। लेकिन आइटम किसका? इन्वेस्टिंग का। तो उसका इफेक्ट उड़ाना पड़ेगा, उसने प्रॉफिट कम किया है तो उसका इफेक्ट उड़ाने के बाद में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो हम ऐड कर देते हैं क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स असेट, जो भी आपका लॉस होगा वो आप लोग ऐड बैक करोगे। इस केस में 5,000 का है, ये ऐड बैक कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप आपके लिस्ट में यहां पे ऐड कर देना। हम क्या ऐड करेंगे बताओ? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अब इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो बेटा इंटरेस्ट खर्चा है, लेकिन आपको नहीं लगता ये फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट है? इंटरेस्ट इज व्हाट? फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट। तो ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में है, जिससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है और वही नेट प्रॉफिट आपने ऑपरेटिंग में उठाया। अब ऑपरेटिंग में आप नेट प्रॉफिट ले रहे हो बट उसके अंदर तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है जिसने उस नेट प्रॉफिट को कम कर रखा है। वो आइटम है फाइनेंसिंग का बट इफेक्ट कहां पे मार रहा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो उसका भी इफेक्ट ऑपरेटिंग से उड़ाना पड़ेगा,
तो आप यहां पे क्या करते हो, जो भी फाइनेंस कॉस्ट रहेगी, ओके, जो भी फाइनेंस कॉस्ट रहेगी वो सब आप लोग यहाँ पे क्या कर देते हो बताओ, ऐड बैक कर देते हो। फिर भले ही ये फाइनेंस कॉस्ट आपके इंटरेस्ट की हो, भले ही आपकी ये फाइनेंस कॉस्ट कभी कभी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के प्रीमियम की हो, भले ही प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम की फाइनेंस कॉस्ट हो, ये जो भी फाइनेंस कॉस्ट होती है वो आपको यहाँ पे ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो गिवन केस में हम लोग क्या करेंगे बताओ, 20,000 जो है वो यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। ओके, तो ये चीज आप लोगों को करनी पड़ती है। तो आपको यहां पे मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसका कैलकुलेशन यहां पे हमको नहीं देखना है, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि फॉर्मेट कैसे वर्क करेगा। ओके, तो यहां पे ऐड क्या होता है बताओ, कोई फाइनेंस कॉस्ट होगी तो ये आपने बिंदास उसको ऐड बैक कर देना है, और ये करने के बाद आपको यहां पे क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा, लेकिन ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस रहेगा। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप लोगों को यहां पर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब आपको इनके भी इफेक्ट यहां पे लेके आने पड़ेंगे, कैसे मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए करंट असेट्स आपकी इंक्रीज होती है, तो जितने से करंट असेट इंक्रीज हुई वो पार्ट यहां से आउटफ्लो बोल के बताना। करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो जावे तो उसे आप लोग इनफ्लो बोल के बताओगे, करंट असेट्स अगर कम हो गई तो आप उसे इनफ्लो बोल के बताओगे, और करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे आप लोग एज एन आउटफ्लो बोल के बताओगे। ओके, अब ये लॉजिक बताने की अभी टाइम भी नहीं है आपके पास में, और आप उतना ध्यान भी नहीं दे सकते हो, तो इसके लिए ये अब थंब रूल समझ के इसको अब याद कर लेना। एक ही याद करो, बाकी ऑटोमेटिक याद होंगे। करंट असेट इंक्रीज हुई तो लेस करने का है ना, तो इसका अपोजिट होगा जब करंट असेट कम होगी, और करंट असेट जब इंक्रीज होती है तब लेस करते हो, तो उसका अपोजिट करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे है। तो आप ऐसे करके एक ही चीज याद रखो, बाकी सब इफेक्ट आपको अपने आप आने लग जाएंगे। ओके, अब यहां पे जो आपका रिजल्टिंग फिगर आने लगता है, ये रिजल्टिंग फिगर किस चीज का होगा गाइस, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, या आप यहां पे ऐसा भी बोल सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेकिन बिफोर टैक्स, और यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेस पेड आप लोगों को माइनस करना पड़ता है। तो आपको यहां पे मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये फिगर पॉजिटिव है तो आप कैश फ्लोज लिखोगे, और फिगर अगर नेगेटिव आ गया तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हो बताओ, आप लोग यहां पे लिख दोगे कैश यूज फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। होप सो ये सब आपके समझ में आया होगा, अकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ लॉजिक्स ऑल्सो। ओके, तो ये बात हो गई। अब देखो बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड में और एक चैलेंजिंग टास्क क्या होता है कि आपको कई बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर होता है ये गिवन नहीं होता है। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ये जब फाइंड आउट करने की बारी आएगी तो गाइज इसमें बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। ओके, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको अलॉन्ग विद लॉजिक बता देता हूं, जिससे आपको कोई चीज याद रखनी नहीं पड़ेगी, कोई आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, अब मेरी बात शांति से सुनो। देखो बच्चों, आपका सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, ठीक है, और जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा तो डेफिनेटली आपको यहां से टैक्सेस माइनस करने पड़ते हैं। बट हमेशा याद रखो, पहले टैक्स की प्रोविजन करी जाती है, मतलब आप खुद से प्रोविजन बनाते हो कि भाई इतना इतना टैक्स लगेगा, तो टैक्स की प्रोविजन माइनस करी जाती है, तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिलता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ही फिगर दे और टैक्स प्रोविजन का परसेंट आपको दे दे, ओके, जैसे मान लीजिए कभी दे दिया आपको कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 7 लाख है, और आपको टैक्स का रेट दे दिया 30%, ओके, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए रहता है बताओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको डायरेक्ट
फिगर नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको नहीं दिया है, तो ये फिगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे और टैक्स का रेट दे दे, तो आपने क्या करना गाइस, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 70% कर देना। 70% क्यों कर देंगे बच्चों, बिकॉज ये जो 7 लाख नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो ये टैक्स के डिडक्ट करने के बाद आया होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं 70% का फिगर होगा, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये फिर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज एन स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना। बट मेरी हमेशा बात याद रखो, जब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह कुछ निकालना है, तो हमेशा टैक्स की प्रोविजन इससे खिलवाड़ करना है, लेकिन जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तब ये माइनस किया जाने वाला आइटम कौन सा होता है, टैक्सेस पेड का आइटम होता है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब कभी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की जरूरत पड़े, तो टैक्स की प्रोविजन आपको ऐड या लेस करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेकिन जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्चुअली प्रेजेंट होती है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो यहां से टैक्सेस पेड माइनस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो बच्चों, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हो और उसके अंदर से टैक्स की प्रोविजन का डिडक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो आप उसकी पहले ही प्रोविजन बना लेते हो, तो फिर जो मिलता है वो मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ हिस्सा आप लोग सेट असाइड करते हो, मतलब आप लोग रिजर्व्स के तौर पे कुछ पैसा बाजू में निकाल लेते हो। ओके, तो मान लो रिजर्व्स का आपने पैसा बाजू में निकाला, फिर भी अगर प्रॉफिट बचा है, फिर भी अगर अमाउंट यहां पे बची है, तो फिर आप लोग क्या करते हो बच्चों, इसमें से डिविडेंड देने की कोशिश करते हो आपके शेयर होल्डर्स को। और आपको पता होगा, जब डिविडेंड देना है तो पहला नंबर लगता है किसका, तो पहला नंबर लगता है आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, और बाद में नंबर आएगा आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप लोग यहां से क्या दे देते हो बताना, डिविडेंड दे देते हो। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड दे दिया, फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे बताना, जो भी अमाउंट बचेगी इसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप लोग फिर डिविडेंड दे देते हो। ओके, और उसके बाद जो भी फिगर बचता है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में दिखता है, या प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस बोल के दिखाई देता है, और वो भी कहां पे बताना, आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये सबसे पहली चीज है, उसमें से टैक्स की प्रोविजन माइनस करते तो क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें से आप कुछ पैसा सेट असाइड करते हो फ्यूचर नीड्स के लिए, उसको रिजर्व्स के लिए सेट असाइड किया ऐसा बोला जाता है, और फिर उसमें से अगर पैसा बचता है तो आप उसे डिविडेंड्स देते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले देना पड़ता है, तो उनका पहले माइनस किया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, उनका माइनस किया, फिर भी अगर कुछ बचे अमाउंट, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस बोल के बैलेंस शीट में बताई जाती है, वो वाली अमाउंट। ओके, अब ये सब बताने के पीछे पर्पस क्या है, मैं आपको समझाता हूं। आपको क्वेश्चन में मैं इतना लिख के देता हूं, 90% केसेस में आपको ये फिगर नहीं मिलती है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वो निकालनी होती है, लेकिन आपको फिगर्स बैलेंस शीट में दिए जाते हैं ऐसे। आपका प्रॉब्लम ऐसा बनता है जहां पे आपको सिर्फ क्या दिए जाते हैं बताओ, लाइबिलिटीज, एसेट्स, और यहां पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, ऐसे आप लोगों को फॉर्मेट दे दिया जाता है क्वेश्चन का। अब बहुत कॉमनली क्या होता है बच्चों, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया जाता है, लेट से प्रीवियस ईयर का 2 लाख है, करंट ईयर का 1 लाख है, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो इतने पर से ही आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बहुत दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो सवाल है सर, हम ये कैसे निकालेंगे, तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ध्यान से सुना। अब मान लीजिए मैं इसको 3 लाख करता हूं, फॉर सिंपलिसिटी पर्पजेस इसको 3 लाख कर दिया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीवियस ईयर में कितना बैलेंस था, 2 लाख रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर में कितना बैलेंस हो गया, 3 लाख रुपए का। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एक रिजर्व है, ठीक
इसमें बैलेंस क्यों बढ़ा 2 लाख से 3 लाख यहाँ पे बैलेंस क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है आपने 1 लाख रुपया इसके अंदर फर्दर डाला है। कहां से डाला होगा? ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स की प्रोविजन माइनस होती है, फिर रिजर्व, फिर डिविडेंड, फिर इक्विटी शेयर होल्डर, ये सब पेमेंट करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचती है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में बताया जाता है। तो पिछले साल का सपोज 2 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा, तो यहां से अगर लेट से 1 लाख का सरप्लस बचा होगा तो ये 1 लाख का सरप्लस इस 2 लाख में ऐड कर दिया जाता है। तो फिर 1 लाख और पहले के 2 लाख मिला के आप करंट ईयर में बैलेंस कितना दिख रहा है बताओ? 3 लाख का बैलेंस दिख रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो होता क्या है, आपको बैलेंस शीट में ऐसे ही 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर दे दिए जाएंगे। तो अगर करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर ज्यादा हो गया तो समझ लेना इस साल में इसके अंदर कुछ पैसा पड़ा है, कुछ पैसा डाला गया है। ओके, जैसे पिछले साल में 2 लाख थे, अभी 3 लाख हो गया, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि इस साल 1 लाख इसमें फर्दर ऐड हुआ होगा। ओके, लेकिन वो 1 लाख की फिगर कौन सी होती है बच्चों? जो यहां से सरप्लस बचता है वो 1 लाख की फिगर होती है। अब मुझे अगर यहां से, मेरे को ये फिगर तो पता है जो एंड में निकलती है, सरप्लस टू बी टेकन ओवर टू बैलेंस शीट, ये फिगर कितनी है सपोज यहाँ पे 1 लाख। अब मुझे इस अमाउंट से अगर ये वाली अमाउंट निकालनी है विच इज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो मुझे अगर ये 1 लाख से ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर निकालना होगा तो गाइज मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरी उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। ओके, उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया? जो आपका डिफरेंस इन पीएनएल है वो सबसे पहले आप लोग ले लो। जैसे यहां पे डिफरेंस इन पीएनएल कितना निकला? 1 लाख, तो ये यहां पे ले लो। अब नॉर्मली आप जब सीधा आते हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स प्रोविजन माइनस रिजर्व माइनस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस इक्विटी शेयर का डिविडेंड माइनस, ऐसा करके आपके पास सरप्लस बचता है। तो अब आपने डायरेक्ट सरप्लस से शुरुआत करी है, अब आपको नीचे से ऊपर जाना है तो जो आपने डिडक्ट किया था वो सब आपको ऐड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप यहाँ पे फिर क्या करते जाते हो बच्चों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देने वाले हो ऐड कर देंगे, ऐड और क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देने वाले हो वो ऐड कर देंगे। ओके, और ये कौन से डिविडेंड होते हैं? करंट ईयर में जो देने वाले हो वो डिविडेंड आपको ऐड करने पड़ते हैं। प्लस आपको और क्या करना पड़ेगा? पहले रिजर्व्स आप माइनस करते थे, जो ट्रांसफर टू रिजर्व करते हो माइनस करना है, तो अभी क्या करोगे? उल्टा जा रहे हो। दैट इज व्हाई जो भी आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया होगा तो वो भी आप लोग एड बैक कर देते हो। और क्या करोगे? टैक्स की प्रोविजन एड बैक कर दोगे। तो बच्चों फिर जो रिजल्टिंग फिगर रहेगा ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर होता है। इन शॉर्ट नॉर्मली अपन ऐसे सीधा आते तो लेस 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 करते जाते हैं, बट आपको प्रॉब्लम का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको 2 साल के पीएनएल का अमाउंट आपको दिया जाता है इन योर बैलेंस शीट, तो उसका जो डिफरेंस है इसका मतलब है करंट ईयर में उसके अंदर अमाउंट डाली गई है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमको ये अमाउंट मिल जाती है तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, इसके लिए सारे इफेक्ट्स हम लोग उल्टे तरीके से देने लगते हैं, तो जाके हमें हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। अब गाइज आपको ये मैंने सब बता दिया कि कौन सी चीज कैसे निकलेगी, अब बस मेरे को पॉइंट्स डिस्कस करने जो बीच बीच में आपको तंग कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं यहां से आगे अब डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। शांति से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड की। ओके, प्रपोज्ड डिविडेंड की देखो, बहुत बार आपको ऐसे बैलेंस शीट में लेट से 2 साल की बैलेंस शीट दी जाएगी, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और यहां पे दे दिया जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। पिछले साल का मान लो 10,000 था, इस साल का मान लीजिए 5,000 है। ठीक है, अब सवाल उठता है सर इसका क्या करना? बेटा ये जैसे ही दिख जाए तो यहां पे पहले सेपरेट एक अकाउंट बना लेना प्रपोज्ड डिविडेंड का। अब प्रपोज डिविडेंड क्योंकि लाइबिलिटी में है तो इसको होता है क्रेडिट बैलेंस, तो जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है उसको ओपनिंग बैलेंस रहेगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 10K, और ये जो करंट ईयर का है ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये यहां पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा 5K। ओके, अब सुन के लेना मेरी बात।
अब अगर मान लीजिए आपको एडजस्टमेंट में दिया जाए कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कुछ तो भी दे दिया, तो आपने क्या करना, सीधे एंट्री पास करना प्रपोज डिविडेंड टू बैंक। तो प्रपोज डिविडेंड के डेबिट में टू बैंक आ जाएगा, जितना भी आपने पेमेंट दिया है, जितना भी आपको लिखा है, वो सीधे यहां पे आप लोग अमाउंट डाल दोगे, ठीक है। बट कई बार एडजस्टमेंट दी ही नहीं जाती है कि डिविडेंड कितना पेड है, तो जब एडजस्टमेंट दी ना जाए कि कितना डिविडेंड पेड है, तो हमेशा याद रखना ये जो ओपनिंग का बैलेंस है वही अज्यूम कर लिया जाता है कि आपने उसका पेमेंट कर दिया होगा। ओके, ये 10,000 पेमेंट ऑफ डिविडेंड है ऐसा मान लेना, कब, अगर यहाँ पे डिविडेंड कितना पेड है इसकी कोई एडजस्टमेंट ना दी जाए तो। फिर अब ऐसे वक्त क्या होगा, ये जो प्रपोज डिविडेंड पे किया, डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी, तो आप इस डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज एन आउटफ्लो बोल के बता दोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और फिर यहां पे जब आप बैलेंसिंग करने जाओगे तो यहाँ 5,000 का आपको बैलेंस मिलेगा, तो ये क्या होगा बच्चों, करंट ईयर की प्रोविजन फॉर डिविडेंड, जो आपने करंट ईयर में डिक्लेयर किया होगा, ये डिविडेंड आप लोगों को यहां पर मिलता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। डिक्लेयर्ड करंट ईयर, ये डिविडेंड कहां डालोगे, इस प्रपोज डिविडेंड अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। अब बहुत बार क्या होता है, ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड, क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड देते हैं, और करंट ईयर में कितना डिक्लेयर हुआ है ये भी आपको दे दिया जाता है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो कि आपने कितना डिविडेंड पेड किया हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। कभी कभी डिविडेंड पेड दे देते हैं, ओपनिंग बैलेंस देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस देते हैं, तो उससे आपको फिर ये प्रोविजन फॉर आपका प्रपोज डिविडेंड मिल जाएगा, मीन्स हमने करंट ईयर में कितना डिक्लेयर किया है डिविडेंड, ये मिल जाएगा। अब सवाल है सर, ये पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड है तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, इसका यूज समझ गया, लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड है, दैट इज करंट ईयर का डिक्लेयर डिविडेंड है, इसका उपयोग कहां पे होगा, तो बेटा ये जो होता है ना, ये पार्ट करंट ईयर का डिक्लेयर डिविडेंड का ही होता है। ये पार्ट कौन सा होता है, करंट ईयर के डिक्लेयर डिविडेंड का ही होता है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ये डिक्लेयर डिविडेंड काम में आ सकता है। देखो गाइस, वैसे चैप्टर बहुत वास्ट है, इसको इतना छोटे रूप में स्पेसिफाई करना नामुमकिन है, बिल्कुल भी आपको बोल सकता हूं, बट अगर आपने पहले इसे सॉल्व किया होगा, और जब मैं अगर आपको ये बातें बता रहा हूं तो आपको ये हिट हो रही होगी, अगर आप एकदम से देख रहे होंगे, आपने चैप्टर कभी पढ़ा नहीं होगा, तो सॉरी, ये फिर आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। ओके, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, तो ये हुई प्रपोज डिविडेंड की स्पेशल बातें। अब ऐसे में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके भी बारे में बता देता हूं, इसके भी बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के मन में, ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रोविजन फॉर टैक्स भी कभी कभार ऐसे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिख जाता है। ओके, यहां पे मान लो करंट ईयर, यहां पे मानो प्रीवियस ईयर, यहां पे 10,000 की प्रोविजन, पिछले साल में 8,000 की प्रोविजन, ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स। अब बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स भी लाइबिलिटी है, तो जो प्रीवियस ईयर का है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, तो इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के आप लोग यहां पे डाल सकते हो, और ये जो करंट ईयर का है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो आप इसको टू बैलेंस कैरी डाउन बोल के यहां पे बता सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको टैक्स पेड बोल के दिखा तो वो टैक्स पेड यहां पे आएगा, टू बैंक, ये टैक्स पेड होता है, ठीक है, और आपने करंट ईयर में कोई प्रोविजन बनाई होगी टैक्स की, तो वो यहां पे बाय पीएनएल बोल के दिखाई देता है, जिसको क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, और अल्टीमेटली ये अकाउंट आपका टैली होते हुए नजर आएगा, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस दे दिया जाता है टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का, क्लोजिंग बैलेंस दे देते हैं, और करंट ईयर में कितना प्रोविजन करी है टैक्स की वो भी दे देते हैं, तो सवाल है सर इससे क्या मिलेगा, तो बेटा इससे आप आपका टैक्स पेड निकाल सकते हो। और टैक्स पेड का यूज कहाँ पे है, अगर आपने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट देखा होगा, तो ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप रिकॉर्ड कर देते हो, उसके बाद यहां से टैक्स पेड माइनस करना पड़ता है, तब ये टैक्स पेड आपको काम में आएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, टैक्स पेड भी दे देते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दे देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी दे देते हैं, तो ऐसे वक्त ये आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स निकल सकती है। अब सवाल है सर, प्रोविजन फॉर टैक्स हमको कहां पे यूज में आएगा, तो बेटा जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो, अगर नहीं होगा आपके पास
तब आप यही टैक्स प्रोविजन क्या करते हो बताओ, एड बैक करते हो, तब ये आपको काम में आने वाला है। ओके तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। ओके एक बात याद रखना, बोनस शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो बोनस शेयर में कोई इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, तो उसे यहां पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कभी अगर आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो एट प्रीमियम, तो वो प्रीमियम अगर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम डेबिट कर रखा होगा तो आपको वो प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉन कैश आइटम, और ये जो प्रीमियम होगा ये सीधे उठा के आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई जो नॉन कैश आइटम है उसका तो छोड़ दो, लेकिन जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे लॉस है, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम है, तो इनका इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उड़ाना तो पड़ेगा, लेकिन इसको प्रॉपर पहुंचा देना पड़ेगा कहां पे, जहां पे इनकी एक्टिविटी है। अब जैसे यहां से अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने उड़ा दिया, लेकिन इसको लेके कहां जाना पड़ेगा बताओ, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको पहुंचा देना पड़ेगा। ओके और इसके अलावा कई बार आपको फिक्स असेट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, जहां से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई नई फिक्स असेट लाई है क्या, गई है क्या, और अगर लाई होगी तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको आउटफ्लो बताना पड़ेगा, और अगर आपने कोई फिक्स असेट बेची होगी तो आपको इनफ्लो होगा, वो आपको इनफ्लो बोल के बताना पड़ेगा इन योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो गाइस प्रॉब्लम बहुत तरीके के, एन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आर देयर, सब तो डिस्कस नहीं हो सकती, बट आई हैव ट्राइड एट फुल कि जिसने पहले ये चैप्टर पढ़ा होगा, जिसने इसकी पढ़ाई करी होगी, उसको क्विकली सब कुछ रिकैप हुआ होगा, और जो मेन मेन मुद्दे एटलीस्ट वो तो भी रिकैप हो ही गए होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ, और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिविजन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।